जैसा कि आप सभी जानते हैं, गेट 2021 नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। गेट 2021 के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से मेजर चेंजेस हैं जो गेट 2021 के लिए किए गए हैं। गेट के बारे में वैसे तो सभी को पता है और ये बात बिल्कुल सही कही जाती है, गेट इज द गेटवे फॉर इंजीनियर्स। तो कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं गेट 2021 में, उनको जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमको गेट एग्जामिनेशन के थ्रू मिल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हायर स्टडीज की। माय डियर फ्रेंड्स, हायर स्टडी इज वन ऑफ द प्राइम टारगेट ऑफ गेट एग्जामिनेशन। इंडिया में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको हायर स्टडीज के लिए कोर्सेज ऑफर कराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमटेक, एमएस या एमटेक प्लस पीएचडी, ये इस तरह के कोर्सेस आप हायर स्टडी में कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में, तो खास तौर पर सिंगापुर और जर्मनी ऐसे देश हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आप गेट स्कोर कार्ड के थ्रू जा सकते हैं हायर स्टडीज के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च कोर्सेज की। तो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप रिसर्च में जा सकते हैं, जैसे एमटेक प्लस पीएचडी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें रिसर्च होती है, तो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू आप इस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है मैनेजमेंट कोर्सेस। तो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटी मुंबई एक बहुत अच्छा कोर्स ऑफर कराती है गेट एग्जामिनेशन के थ्रू, जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये डिप्लोमा बहुत अच्छा माना जाता है नेटी मुंबई का, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स, जिसको आप गेट एग्जामिनेशन के थ्रू ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज पीएसयूज एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो अगर आपका गेट का स्कोर बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और इंजीनियर्स इसको टारगेट भी करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट एग्जामिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च जॉब्स की। तो रिसर्च में भी आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है गेट एग्जामिनेशन के थ्रू, जैसे बार्क है, डीआरडीओ है, इनके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है रिसर्च में थ्रू गेट एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, गेट 2021 में जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी प्रिपेरेशन जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजेस इन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में कौन कौन से चेंज हुए हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चेंज इन एप्लीकेशंस। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं चेंज इन एप्लीकेशंस की, गेट 2020 तक आप केवल एक पेपर दे सकते थे, लेकिन गेट 2021 में, गेट 2021 में आप दो पेपर दे सकते हैं। अब ये कौन से दो पेपर हैं जो आप दे सकते हैं, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों पेपर देने के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चेंज इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहले कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, अब क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, अब कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे इन गेट 2021। उसके बाद हम देखेंगे चेंज इन सिलेबस, थोड़ा बहुत सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है, हो सकता है कि किसी कोर्स में एक दो टॉपिक ऐड हुआ हो और एक दो टॉपिक रिमूव हुआ हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चेंज इन क्वालिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, 2011 के बाद 2021 में, यानी कि 10 साल के बाद बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी गेट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और ये बहुत बड़ा बदलाव है गेट 2021 में। ये बहुत अच्छी न्यूज है बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स तो पहले से ही अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नो क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम परसेंटेज इन बीटेक। बीटेक में कुछ भी परसेंटेज हो आप गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के कैंडिडेट इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। नो अटेम्प्ट लिमिट, कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, जब तक आपका गेट का अच्छा स्कोर नहीं आ जाता है तब तक आप गेट एग्जाम में अपीयर। ऑल्सो एलिजिबल इफ यू हैव बैकलॉग पेपर्स। जी हाँ, अगर बीटेक में आपकी कोई बैक है, किसी पेपर में अगर आपकी बैक आई हुई है, तब भी आप गेट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, आप गेट एग्जाम को दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट है गेट स्कोर वैलिडिटी 3 years। ये जो गेट का स्कोर कार्ड है ये 3 साल तक वैलिड होता है। मान लीजिए आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और 2021 में आपका अच्छा स्कोर आ जाता है गेट में, तो इस स्कोर कार्ड को आप 3 साल तक यूज कर सकते हैं। ये 3 साल तक स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहता है। चलिए बात करते हैं चेंज इन एप्लीकेशन। इन गेट 2021
टू न्यू पेपर्स आर इंट्रोड्यूस। गेट 2021 में दो और नए पेपर ऐड हो गए हैं, फर्स्ट वन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सेकेंड वन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आई है 2021 में इंजीनियर्स के लिए। तो पहले गेट 2020 में टोटल 25 पेपर्स कंडक्ट कराए गए थे और 2021 में दो पेपर बढ़ गए हैं, यानी कि 27 पेपर्स कंडक्ट कराए जाएंगे बाय आईआईटी बॉम्बे। कैंडिडेट्स कैन अपीयर आइदर इन वन और मैक्सिमम टू पेपर्स इन गेट 2021। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपको दो पेपर्स के लिए अलाउ किया गया है, आप चाहें तो किसी एक पेपर में अपीयर हो सकते हैं जैसा कि लास्ट ईयर का था। गेट 2021 में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहें तो किसी एक पेपर से एग्जाम लिख सकते हैं, आप चाहें तो दो पेपर से एग्जाम लिख सकते हैं। अब ये दो पेपर्स कौन से हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पेपर मस्ट बी फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि चलिए समझते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेपर्स। यदि आप दो पेपर में अपीयर होना चाहते हैं तो किस तरह से आप दोनों पेपर्स को ऑप्ट करोगे। मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप दो पेपर लिखना चाहते हैं, तो पहला तो हो जाएगा आपका जो कोर है, जो प्राइमरी पेपर है, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। दूसरे पेपर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग और दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इनमें से कोई भी आप एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग के साथ या तो इसके साथ जाएंगे या फिर इसके साथ जाएंगे, ठीक है। आइदर दिस और दिस, दो चॉइस आपके पास है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, पहला पेपर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो जाएगा, दूसरा पेपर अगर लिखना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज मैथमेटिक्स। सिमिलरली यदि आप इसी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक पेपर ये हो जाएगा, दूसरा पेपर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप आईएन के साथ जा सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, या फिर फिजिक्स के साथ जा सकते हैं। तो इसी वालों के पास भी दो ऑप्शंस हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो आईएन के साथ जा सकते हैं, और आईएन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास तीन चॉइस हैं, एक पेपर तो उनका ये हो जाएगा, और जो दूसरा पेपर जो सेलेक्ट करेंगे वो या तो ईसी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर फिजिक्स। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको दो पेपर देने हैं, तो एक तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर देंगे और दूसरा देंगे आप एनवायरमेंटल साइंस। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक पेपर दे सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो पीआई के स्टूडेंट्स हैं वो भी एनवायरमेंटल साइंस का पेपर दे सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहां पर स्टार लगे हुए हैं मैकेनिकल के लिए और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए। जो एक्सई वाला पेपर है एनवायरमेंटल साइंस, यहां पर स्टार लगे हुए हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो पेपर्स हैं वो इनसे थोड़ा सा अलग है, उसको समझना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों पेपर लिखना चाहेंगे, दोनों पेपर्स में अपीयर होना चाहेंगे, इसलिए प्राइमरी पेपर्स और सेकेंडरी पेपर्स की जो एग्जामिनेशन डेट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। हो सकता है प्राइमरी पेपर्स फर्स्ट वीक में कराए जाएं और सेकेंडरी पेपर सेकेंड वीक में कराए जाएं। चलिए समझते हैं, ये जो एक्सई है एनवायरमेंटल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि मैकेनिकल और एमई और पीआई के लिए जो सेकेंडरी पेपर है, जो दूसरा पेपर है, वो है एक्सई, दोनों के लिए कॉमन है। चलिए समझते हैं एक्सई पेपर में कितने सेक्शन आते हैं और कैसे हमको ऑप्ट करने हैं। सबसे पहले है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल, और ये 15 मार्क्स का है। सेकेंड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, विच इज ऑल्सो कंपल्सरी, इसके भी 15 मार्क्स फिक्स हैं। एक्सई पेपर के लिए ये दोनों कंपल्सरी हो जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15+15 30 मार्क्स के। अब बचे 70 मार्क्स, 70 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू ऑप्ट एनी टू सेक्शंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट। एक आपको ये लिस्ट दी गई है, जैसे कि आप बी है फ्लूइड मैकेनिक्स, सी है मटेरियल साइंस, डी है सॉलिड मैकेनिक्स जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, ई इज थर्मोडायनामिक्स, एफ इज पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड जी इज फूड टेक्नोलॉजी, एंड एच इज एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस। माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर जो एक सेक्शन है दैट इज इक्वल टू व्हाट 35 का, एक 35 का है, तो दो कितने के हो जाएंगे यहां पर 70 मार्क्स के। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें से आप किन्हीं दो को ऑप्ट कर सकते हो, राइट। तो दो तो आपके पास ही हो गए और आप दो यहां से सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस को ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स को ले सकते हैं, आप चाहें तो थर्मोडायनामिक्स और
स्ट्रेंथ ऑफ मेटल को ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रिलेवेंट है, स्टार्टिंग के फोर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मेटल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो इन चारों में से वो दो ऑप्ट कर सकते हैं और दो पेपर लिख सकते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला और एक एक्सई वाला। तो ये जो पेपर है एक्सई एनवायरमेंटल साइंस, ये बाकी पेपर से डिफरेंट है। नाउ गेट 2021 इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी डेट्स आपको याद रखनी है विद रेस्पेक्ट टू गेट 2021। फर्स्ट वन, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन्स 14th of September 2020 से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, गेट एग्जामिनेशन के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 30th of September 2020 को जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएंगे। यदि आप 30th of September तक फॉर्म नहीं भर पाए तो 7th of October 2020 तक भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेट फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको रिलीज हो जाएंगे 8th of January 2021। नाउ डेट्स ऑफ गेट एग्जामिनेशन 2021, किन किन डेट्स को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, फरवरी 2021 का जो फर्स्ट वीक है और सेकंड वीक है उसमें ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये फर्स्ट वीक है फरवरी का और ये सेकंड वीक है, और जो डेट्स हैं फर्स्ट वीक की वो 5, 6 और 7 फरवरी है, और यहां पर आप देखेंगे 12, 13 और 14 फरवरी है सेकंड वीक की। तो दीज आर दी डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जब ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और जो डे है वो है फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी तक जो गेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ करता था वो सैटरडे और संडे को हुआ करता था, लेकिन इस बार फ्राइडे को भी एग्जाम होगा। इसकी वजह ये है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स गेट 2021 में इंक्रीज हो जाएंगे, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज होने के दो मुख्य कारण है, पहला कि इस बार थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे, राइट। दूसरा कारण यह है कि पहले एक पेपर अलाउ था लिखने के लिए, अभी आप गेट एग्जाम दो पेपर से भी दे सकते हैं। तो दो पेपर से आप जब एग्जाम देंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाएंगे, इसलिए फ्राइडे को भी इन्होंने ऐड कर दिया है। नाउ डेट ऑफ रिजल्ट, जो गेट एग्जाम होगा उसका रिजल्ट 22nd of March 2021 को डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए देखते हैं चेंज इन पैटर्न ऑफ एग्जाम, पहले कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और अब गेट 2021 में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, जो गेट का एग्जाम होता है टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो टोटल मार्क्स होते हैं 100। सो दिस इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट इज टोटल मार्क्स। तो टेक्निकल प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 55, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MSQ मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो MCQ और NAT तो 2020 तक पहले भी आते रहे हैं, लेकिन MSQ 2021 में आएगा, इस बार ये नया है, राइट। MSQ क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि गेट में ये पहले नहीं आते थे, 2002 से पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं, लेकिन 2002 से लेकर के 2020 तक जो MSQ है ये नहीं आए हैं, लेकिन 2021 में ये फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। और टोटल 55 क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 85, और जो ये 55 क्वेश्चंस हैं या तो वो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। दूसरा, यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड है इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ, MSQ और NAT होंगे टोटल 15 मार्क्स के होंगे, ये भी 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वन MCQ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पर जितने भी क्वेश्चन होंगे या तो वो 1 मार्क का होगा या फिर 2 मार्क्स का होगा, एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो इन क्वेश्चंस का अगर आप गलत आंसर करते हैं, रॉन्ग आंसर करते हैं, तो आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग मिलती है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सही होने पर आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत होने पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यहां पर 0.33 आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सही होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और गलत होने पर आपको 2/3 2/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी कि 0.67 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन पे 0.33 की जो है नेगेटिव मार्किंग है, और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 0.67 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। एक एग्जाम्पल लेते हैं MCQ का, ये क्वेश्चन है हॉट कॉफी स्टोर्ड इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जांपल। ये कोई क्वेश्चन है तो इसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे ए बी सी डी, इसमें से केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, आइसोलेटेड सिस्टम। सो दिस इज दी टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें दैट इज MSQ, जो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, ये भी जितने भी क्वेश्चन होंगे या तो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। वन और मोर देन वन च्वाइस मे बी करेक्ट, यहां पर एक से ज्यादा च्वाइस भी करेक्ट हो सकती है, एक भी करेक्ट हो सकती है, दो भी करेक्ट हो सकती है, तीन और चारों भी करेक्ट हो सकती है अगर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। नो निगेटिव मार्किंग, यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इन केस ऑफ मल्टी सेलेक्ट MSQ में, और नो पार्सल मार्किंग, पार्सल मार्किंग भी नहीं होगी। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी स्पेसिफिक एंथैल्पी, ऑप्शन सी प्रेशर एंड ऑप्शन डी एंट्रोपी। तो यहां पर दो ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो आपको जो ना दो ऑप्शन यहां पर करेक्ट करने होंगे तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए इसके दो ऑप्शन करेक्ट थे और आपने केवल एक ऑप्शन किया यहां पर करेक्ट, तो आपको मार्क नहीं मिलने वाला है, नो पार्सल मार्किंग, राइट। और जो थर्ड टाइप है दैट इज NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहां पर भी या तो 1 मार्क के होंगे या फिर 2 मार्क्स के होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन नेचर, यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं होते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, यहां पर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, जनरली आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। नोट करके यहां पर लिखा है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर NAT, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एक क्वेश्चन है कास्टिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑलरेडी गेट एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द सॉलिडिफिकेशन टाइम इन सेकेंड, तो आपको क्या करना है यहां पर, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है टाइम की, और यहां पर आपको पुट करना है। आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो आपको माउस की हेल्प से जो भी आपका आंसर आएगा सेकंड में आपको पुट करना है। मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपने आंसर निकाल लिया इसका मिनट में, राइट, और आपने जो मिनट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी आपने वहां पर पुट कर दी माउस की हेल्प से, तो वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा गया है टाइम सेकंड में। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी वो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है यहां पर वो यूनिट दे देता है, ठीक है। तो किस यूनिट में आपको आंसर करना है उसी यूनिट में आपको, मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है मिनट में, तो आप पहले उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद यहां पर आंसर आप पुट कर दीजिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर गलत है तो आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो दोस्तों गेट 2021 में जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। आप जिस पेपर में भी अपीयर होना चाहते हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए, उस पेपर का सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।